आई एवरी वन वेलकम टू कारण क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर इलेवन पेपर बी का ठीक है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं इस पर मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके नितिन सांगवान और एसेंशियल सोशलॉजी के तो पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड पेपर बी का हम करंटली इलेवन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद आपके टोटल फोर चैप्टर्स रहते हैं उसके साथ ही हमारी जो बुक है वो कवर हो जाएगी अगर आप यू या स्टेट पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये चैनल क्योंकि इस बुक के बाद हम यूपीएससी से रेलेवेंट आपका जो इग्नो मटेरियल है या जो चेक आंसर कॉपीज़ होती हैं विजन आई की या और कई इंस्टीट्यूट्स की तो उन पे वीडियो भी मैं लेके आऊँगी जिससे आपको थोड़ा आंसर राइटिंग की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पी वाई की उस पर हम वीडियो बनाएंगे एंड आपके कुछ एडिशनल थिंकर्स वग़ैरह ठीक है तो वो वीडियोज़ चलेंगे एंड कुछ रिविजन सीरीज़ वगैरह ये सब आपको आने वाले टाइम में इसको इस चैनल पर देखने को मिलेगा तो अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं एंड अगर आपको पेपर बी का पी चाहिए जो कि मैं चैप्टर वाइज पी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करती हूँ तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन अब देखो इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में बताई हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ की इकॉनमी का ज एक ट्रेडिशनल फैब्रिक था इंडियन इकोनॉमी का वो कैसे डिसरप्ट हो गया ठीक है वही सारी चीज़ें जो है इसमें हमें रिपिटेटिवली पढ़नी है तो आने वाले चैप्टर्स जो हैं आई होप आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाए क्योंकि ये चैप्टर्स की काफ़ी चीज़ें काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं ये ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियोज़ में क्लियर करे होते हैं ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है मॉडर्न सेंस में हम कहते हैं ये हैपंड इन इंडिया ओनली आफ्टर दी अराइवल ऑफ़ यूरोपियंस ठीक है इनके आने के बाद ही जो है एक मॉडर्न सेंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई ऑल दो तो हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो वैसा नहीं था बिल्कुल भी जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा था वो ब्रिटिश ने अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से ही यहाँ पे स्टार्ट करा था वो इंडिया को क्या करना चाहते थे एक मार्केट बनाना चाहते थे एंड उन्होंने मार्केट बनाया भी था अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए ठीक है अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए लेकिन क्या हो गया इससे चाहे वो बेनिफिशियल रहा नहीं रहा वो सेकेंडरी चीज़ है लेकिन फैक्ट क्या है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए थे फाइन तो ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एज ओल्ड एंटरप्राइजेज वर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी ओल्ड एंटरप्राइज जैसे आप बोलो कॉटन का यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काइंड ऑफ यहाँ पे अच्छी खासी चल रही थी लोग लोग जो थे दे वर अवेयर ऑफ दिस थिंग टेक्सटाइल का कैसे काम करते थे वो हैंड वीविंग एंड स्पिनिंग वगैरह ठीक है हैंड स्पिनिंग तो ये ऐसे सारी चीज़ें करके मतलब लो टेक्नोलॉजी यूज़ करके लो इंफॉर्मेशन होती थी लोगों के पास कि कैसे काम करना है मोस्टली हाथ से होता था हैंडी ठीक है ये सारी चीज़ें तो ये भी आप बोल सकते हो इंडस्ट्री इन जुडिमेंट्री फॉर्म मतलब एलिमेंट्री फॉर्म की इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी यहाँ चल रही थी लेकिन आप इसको मॉडर्न सेंस में नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी नहीं आई थी आपने मैकनाइजेशन नहीं की थी आप अभी तक क्या कर रहे थे लोग खुद से काम कर रहे थे ठीक है जब लोग खुद से काम करेंगे दैट मीन्स प्रोडक्शन जो है उतनी ज़्यादा नहीं होगी अभी तक इन एनिमेट पावर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आया था जिससे आपकी मास प्रोडक्शन होती थी ठीक है वो मशीनरी वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी इसीलिए मॉडर्न सेंस में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी भी इंडिया में नहीं हुई थी वो यूरोपियंस के अराइवल के बाद ही हुई थी इसका जो ऑनसेट था वो स्लो था क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स जो थे उनकी अपनी पॉलिसी थी ऑफ फ्लडिंग द डोमेस्टिक मार्केट विद होम मेड गुड्स एंड एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ थी डोमेस्टिक्राइड की एंटरप्राइज की वो स्टफल ठीक है ये वही बात है कि वो उन्होंने क्या करना चाहा उन्होंने मार्केट बनाया इंडिया को अपने होम मेड गुड्स दैट मीनस अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे इंग्लैंड वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी बूस्ट हो गई उस चीज़ की वजह से प्रोडक्शन वो वहाँ करते थे फिर उन्हीं चीज़ों को वो यहाँ लेके आके महंगे uh, कॉस्ट पर बेचते थे तो यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी एक तो वो डिसरप्ट हो गई ठीक है दिन चीज़ें हमें महंगी मिलना शुरू हो गई एंड हमारा जो मैनुफैक्चर सेक्टर था वो काफी पीछे रह गया जिसके इफेक्ट हम इन इनफैक्ट आज भी इक्कीसवीं सदी में भी हमें देखने को मिलती हैं ये सारी चीजें आप इकोनॉमी में जो है इन डिटेल डिस्कस करोगे हमें ट्रैक से हटना नहीं है हमें इसको सोशोलॉजिकल में देखना है फर्दर जो डिलिब्रेट अटेम्प्ट था रूलर्स का टू सप्रेस द डोमेस्टिक इंडस्ट्री लेफ्ट इंडिया पोरली इंडस्ट्रियलाइज ठीक है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो जो इंडिपेंडेंस पे इंडिया को मिला जो भी जो इंडिया मिला हमारे लीडर्स को और हम लोगों को उसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स और केयर्स मचा हुआ था हर फील्ड में चाहे वो इकोनमी हो रिलीजस हो यूनिटी पे हो कल्चर हो ठीक है और वो सारी चीज़ें किसने हमें दी हुई थी ब्रिटिश ने फाइन ओल्डर अर्बन सेंटर्स जो थे विच आर वंस द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ इकॉनमी वो डिक्लाइन हो गए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इंडिया ने क्या देखा था एक प्रोसेस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन टू रूरूल एरियाज़ क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी डिक्लाइन ड्यू टू कलोनियल पॉलिसी मैंने आपको कहा हैंडीक्राफ्ट एंड जो हमारी ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वगैरह थी जैसे आप कॉटन ये टेक्सटाइल वगैरह की देख लो ठीक है जो चलती थी पहले ऐसे बोला जाता था कि हर घर एक फैक्ट्री थी वो सारी चीज़ें जो आहिस्त आहिस्ता खत्म हो गई फाइन और जो यहाँ के अर्बन सेंटर्स थे जो पहले यहाँ के माने जाते थे ग्लोबल सेंटर्स ऑफ इकोनॉमी वो भी डिक्लाइन हो गए ऐसा तो नहीं है ना कि अर्बनाइजेशन हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ट्रेस करते हैं एक अर्बन सिविलाइजेशन ठीक है तो ये सही लाइंस पे चल रही थी लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया था उन्होंने सेंटर ऑफ जो अर्बन सेंटर्स थे उनको चेंज किया था हमारे एंशंट टाउन्स कौन से थे जो अर्बन uh, आप बोलोगे अर्बन लाइंस पे जो डेवलप हो रहे थे या अर्बन सेटलमेंट जिनको बोला जाता था जैसे आपके वाराणसी था एंशंट टाइम पे या इलाहाबाद था प्रयागराज ठीक है या मदुराई वगैरह उसके बाद मिडिवल टाइम पे कौन से सेंटर्स थे आपके जैसे डेली आपने हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी होंगी डेली था आपका आगरा था लखनऊ था ठीक है नागपुर वगैरह तो जो प्रिंसिपैलिटीज थे जो आपके जो किंगडम्स थे ठीक है वहाँ वो वाले जो एरिया थे अर्बन पोर्ट टाउन्स अर्बन टाउन्स जो थे आपके उस टाइम पे जो डेवलप हुए थे मिडिवल में या एंशेंट में वो ब्रिटिशर्स के आते आते चेंज हो गए ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ फिर इन्होंने नई अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करी वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया सफर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो क्योंकि जो हमारे पुराने अर्बन सेंटर्स थे अब वो अर्बन सेंटर नहीं रहे उनको रिप्लेस किया गया ब्रिटिशर्स ने बाई न्यू अर्बन सेंटर्स अपने मतलब के लिए ठीक है और जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट वगैरह थी वो भी क्या हो गई डिसरप्ट हो गई कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से इन हिस्टोरिकल चैलेंजेस के अलावा इंडिया में जो आ, इंडिया डिक्लाइन इंडिया हैस हैस तो इमर्जिंग इशूज पोल्यूशन लेबर एक्सप्लॉटेशन इन हर रिक्वेस्ट फॉरन एगेटेर मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तो ये सारे जो चैलेंजेस थे इंडिया को उस टाइम पे फेस करने पड़े थे एंड इंडिया को क्या करना था इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना था ठीक है तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था अब आगे देखते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है दे आर ऑफन लिंक्ड विद ईच अदर अर्बन एरियाज दे एक्ट एज ए रेडी मार्केट फॉर फिनिश गुड्स ये इकट्ठे हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दे आर लिंक्ड विद ईच अदर ठीक है ये चीज कॉमन है मतलब ये चीज अंडरस्टूड uh, है क्योंकि जहां पे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी दैट मींस प्रोडक्ट्स आएंगे और प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट को क्या चाहिए एक मार्केट चाहिए वो मार्केट उसको कहाँ से मिलता है अगर आपकी जो अर्बन सेटलमेंट अच्छी खासी हुई होगी वही लोग जाके वो चीजें खरीदेंगे जो इंडस्ट्रीज में बनेंगी ठीक है तो ये जो दो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ हमेशा लिंक्ड रहती हैं जो अर्बन एरियाज हैं वो एक्ट करती हैं एज मार्केट फॉर फिनिश्ड ग्रुप्स और सप्लाई करती हैं स्किल्ड मैन पावर्स दोनों दोनों तरीक़ों से ये क्या करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन को लिंक करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम तो द एगेर इकानमी टू द इंडस्ट्रियल इकानमी फाइन इंडिया में अर्बन सेटलमेंट एग्जिस्टेड अर्लियर ऑल्सो जैसे मैंने आपको कहा एंशंट टाइम पे हमारे थे वाराणसी प्रयागराज वगैरह एंड मेडिवल टाइम पे हमारे थे दिल्ली लखनऊ नागपुर ऐसे सारे सेंटर्स थे लेकिन उनका जो नेचर था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन सेंटर्स जो इवॉल्व हुए थे आफ्टर द द अराइवल ऑफ कॉलोनियल पावर्स तो कॉलोनियल पावर्स जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने कौन से अर्बन सेटलमेंट बनाए थे जो उनको आसानी हो जाती जिससे पोर्ट एरियाज में ठीक है क्योंकि पोर्ट एरियाज में उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो था वो ईजी हो जाता था बाई वे ऑफ शिप्स वगैरह वो कैरी करते थे ठीक तो उनके पहले स्टार्ट किया था सूरत से गोवा दमन ठीक है मोस्टली कौन से एरियाज थे आपके पोर्ट टाउन एरियाज थे ये पोर्ट एरियाज जहा उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो इजी हो जाती उसके बाद कंसोलिडेट किया एंड जो मेन सेंटर्स बनाए बाद में जैसे आपके बॉम्बे और ठीक है वो उनके बाद में मेन सेंटर्स बने बॉम्बे मेंलकाटा तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स ऑलरेडी थे लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो वो क्या हो गए वो रिप्लेस हो गए बाय न्यू अर्बन सेंटर्स

जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है न्यू एवेन्यूज एंड इट नी चैलेंजेस अब हमें ये चीज डिस्कस करनी है क्या एवेन्यूज थे और क्या चैलेंजेस पोस्ट किए हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका एंड स्टार्ट हम करते हैं एवोल्यूशन कैसे हुई मॉडर्न इंडस्ट्री की इंडिया में तो देखते हैं क्या लिखा है जो सोशोलॉजी का काफ़ी काम हुआ था एट ए टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो इसके अर्लीस्ट फेज़ में थी एंड मशीन्स वर एजूमिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सोशल लाइफ तो इस टाइम पे कार्ल मार्क्स मैक्स वेबर इमाइल दुर्खेम वगैरह उन्होंने काफ़ी सोशल फैक्ट फीचर्स जो है विद इन द इंडस्ट्री उसको एक्सप्लेन किया जैसे आपका अर्बनाइजेशन क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियल जो ये है सिटीज़ या एक मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होने के साथ साथ आपकी अर्बनाइजेशन साथ साथ चली ठीक है लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप्स वो ख़त्म हो गया सारा वो एलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट याद लेके आओ ठीक है मॉडर्न वर्ल्ड में हम आगे मॉडर्न वर्ल्ड को हम किससे एसोसिएट करते हैं इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेमिसी दी जाती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ठीक है ज्यादा प्रेमिसी दी जाती है आपके जो फेस टू फेस रिलेशनशिप्स हैं ये किसका फीचर है ये आपके कम्युनिटीज का फीचर है तो मॉडर्न सोसाइटीज में ये चीज़ें क्या हो जाती हैं कम हो जाती हैं एक डिटेल डिविजन ऑफ लेबर ये हमने डिस्कस किया है पेपर ए में भी अच्छे से इमेल दुर्खेम के कॉन्सेप्ट में वर्क बीइंग रेपिटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग ठीक है रेपिटेटिव है मोनोटनी आ जाती है जैसे मैंने आपको फोर्डिज्म वाली वो एग्जांपल बताई थी असेंबली लाइन में कैसे काम होता है एक मोनोटोनी जनरेट होती है रेपिटेटिवली काम होता है एग्जॉस्टिंग होता है काफी लेकिन एट द सेम टाइम हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू ग्रेटर इक्वालिटी एटलीस्ट इन समेस अब कैसे इक्वालिटी आप देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जब काम करते हैं लेबर्स उस टाइम पे उनको जो आपके जो ओनर्स होते हैं उनको कास्ट के साथ आपका कोई जो है वास्ता नहीं होता है उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं अपॉइंट करने से पहले आपके कास्ट पे ध्यान नहीं देंगे उनके लिए जो इंसान उनके लिए काम कर पाए वो उनके लिए एक एसेट है ठीक है तो डिफरेंट कास्ट के लोग एक ही सेटिंग में काम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है जो कास्ट लाइन्स हैं वो ब्लर हो जाती हैं डिफरेंट रिलीजन के लोग काम करते हैं तो रिलीजियस लाइन्स भी जो है वो ब्लर हो जाती है तो एक काफी बड़ा चेंज है जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो सेटअप है काम का सेटअप उसकी वजह से आता है फॉर एग्जाम्पल जो कास्ट डिस्टिंगशन है फेल टू मेटर इन फैक्ट्री सेटअप सेटअप्स एज क्लास डायमेंशन बिकम मोर पावरफुल तो वहाँ पे अगर कोई स्टार्टिफिकेशन है सोसाइटी की वो क्लास बेस्ड आप हाई क्लास लो क्लास मिडिल क्लास में हो आप कोई ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र वहाँ पे नहीं हो इन फैक्ट्री सेटिंग जो मेम्बर सारे कास्ट के हैं वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस विदाउट अरारिकी ठीक है द वर्कर्स ऑल्सो शेयर द सेम स्पेस इन ट्रेन बसेज एंड कैफेज तो ट्रेवल करने के लिए उनको जहाँ पे जो कन्वेन्स यूज़ करना होता था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहे वो बसेज हो ट्रेन हो फिर ब्रेक्स uh, वगैरह कैफे जहाँ पे उनको जाना होता था वहाँ पे भी सारे इकट्ठे बैठते थे तो ऐसे कास्ट डायमेंशन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वेल द अर्ली सोशलॉजिस्ट जो थे दिस और इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉजिटिव लाइट में भी नेगेटिव लाइट में भी मिड ट्वेंटी में अंडर द इन्फ्लूस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थियरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहा कि इनएविटेबल भी है दैट ये होना जरूरी भी था एंड ये एक पॉजिटिव चेंज भी है तो मॉडर्नाइजेशन थियरी क्या कहती है ये कहती है जो पास एंड प्रेजेंट की प्री मॉडर्न सोसाइटीज हैं जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज हैं प्री मॉडर्न सोसाइटीज ये मॉडर्न तब बनती हैं जब सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो ये कन्वर्ट हो जाती है मॉडर्न सोसाइटी में विद द हेल्प ऑफ या थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ तो इस थियरी के इन्फ्लुएंस में आप क्या करने लगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू हो गए ठीक है तो जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है आर्ग्यूज़ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट इज़ अ साइन ऑफ हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट और जो सारी सोसाइटीज़ हैं दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन द रोड टू मॉडर्नाइजेशन बट दे आर ऑल हैडिंग इन द सेम डायरेक्शन ठीक है ऑल द इम्पैक्ट कामया ज्यादा हो सकता है लेकिन इस इंडस्ट्रेलाइजेशन के इम्पैक्ट के अंडर मॉडर्नाइजेशन जो है हर सोसाइटी में आ रही है और हर सोसाइटी जो है दैट इज ऐट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रेलाइजेशन सिर्फ इकनॉमिक चेंजेस नहीं लाती है कल्चरल चेंजेस भी लाती है जैसे हमने डिस्कस किया कास्ट डायमेंशन पे इम्पैक्ट पड़ा रिलिजन डायमेंशन पे इम्पैक्ट पड़ा कंज्यूमरिज्म वाला ये थाट आ गया ठीक है आप चीज़ें ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो आप क्या कंज्यूम करते हो किस लेवल का कंज्यूम करते हो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो उससे आपका स्टेटस वो टी वेबलिन ने एक कॉन्सपेशियस कंजम्पन वाला ये दिया था कि आप गाड़ी चाहे मारुति 800 भी वही काम करेगी जो एक बड़ी गाड़ी करे लेकिन और आप एफर्ट मारुति 800 कर सकोगे लेकिन आप लोन लेके एक बड़ी एसयूवी लोगे जिंदगी भर खुद को डेट में रखोगे क्योंकि आपको एक स्टेटस मेंटेन करना है तो ये सारी चीज़ें किससे आ गई चेंजेस ये ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन से सारी चेंजेस आ गई तो सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस नहीं आती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपके कल्चर में चेंजेस भी देखने को मिलती है लुई वर्ट ने कहा इंडस्ट्रलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो है एम्प्लाय नॉट जस्ट चेंजेस इन द प्रोडक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशनस डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स बट ऑल्सो अ चेंज इन द वे ऑफ लाइफ तो लुई वर्थ यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हो इन्होंने ये बात बताई थी ठीक है आगे देखते हैं हमें क्या देखना है कोई भी अनाउंसमेंट होती है आपके वीडियो या कुछ के रिलेटेड आई वुड सजेस्ट कि जो मेरी चैनल का कम्युनिटी टैब है कम्युनिटी पोस्ट है वो आप देखा करो उसमें कोई अनाउंसमेंट होती है जैसे अगर बीच में डिले हो जाता है मेरे वीडियो लाने में तो उसका कोई रीजन होता है ठीक है रीजन ये होता है क्योंकि मैं स्टेट एग्जाम्स भी कवर करवाती हूँ तो उनका हो सकता है एग्जाम कुछ ज्यादा सामने नजदीक आ जाए तो इस वजह से कोई बीच में डिले आ सकता है या आने वाले टाइम में फिफ्थ अप्रैल को मेरी सर्जरी है तो उस वजह से भी हो सकता है वीडियोस में हो सकता है कि डेफिनेटली वीडियोस में कुछ डिले हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जो चीज़ें मैंने कहा है मैं कवर करवाऊंगी वो मैं कवर करवाऊंगी बस जस्ट गिव मी सम टाइम सर्जरी के बाद आई विल टेक सम टाइम टू रिकवर और उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी आपका सिलेबस कवर करवाना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनियल पावर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वर आल्सो प्रेजेंट इन इंडिया वर प्रेजेंट इन इंडिया अर्लियर आल्सो ठीक है पोस्ट नाइन्टीन सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज फंडामेंटली डिफरेंट एज इट यूज्ड इन एनिमेट पावर एंड प्रोडक्शन वाज मास प्रोडक्शन ठीक है तो इंडस्ट्रेलेशन और जो ऑलरेडी इंडिया यहाँ पर इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत प्रेजेंट थी मैंने कहा जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये लोगों के लिए नई नई थी क्योंकि हैंड वीविंग हैंड स्पिनिंग का काम जो है यहाँ पर होता था क्लॉथ मेकिंग का क्लॉथ मेकिंग के लिए हैंड वीविंग करते थे ठीक है एंड हैंड स्पिनिंग होती थी हैंड स्पिनिंग हैंडीक्राफ्ट्स का काम यहाँ पे होता था तो आप इसको छोटी एक कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की ही कंसिडर करोगे हर घर एक फैक्ट्री थी ऐसा बोला जाता था तब मैं आपको बार बार बोलती हूँ लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस अब उन्होंने मशीनरी यूज़ की मशीन पावर यूज़ किया एंड चीज़ों की मास प्रोडक्शन हुई जो तो प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडिगो टी कॉफी एंड रबर जो थे इस्टेब्लिश हुए थे सेवेंटीन एंड एटीथ सेंचुरीज में बट दीज वर नॉट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन मॉडर्न सेंस ये क्या थे आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स थे जो क्या करते थे एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते थे एक फिनिश गुड में सिमिलरली जो डोस्ेस्टिक कॉटेज यूनिट्स ऑफ कॉटन जूट एंड सेल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड दे वर ऑल्सो इन एवरी नू इन कॉर्नर ऑफ इंडिया लेकिन लिमिटेड स्केल एंड यूज था इनका भी एंड यूज ऑफ प्रमेटिव इक्विपमेंट डेंट क्वालिफाई देम एज इंडस्ट्रियल मॉडर्न सेंस तो ऑल दो इन लाइन में थोड़ा बहुत काम हो रहा था लेकिन ये अब जो मॉडर्न सेंस की इंडस्ट्री है जिसमें मास प्रोडक्शन हो इन एनिमेट यूज ऑफ पावर हो वैसा सब कुछ अभी भी जो था उसमें हम फील्ड में हम पीछे थे इन वे काफ्लो ऑफ न्यू आइडियाज एंड फैक्ट्री मेड गुड्स इट वॉज नेचुरल दट सम इंडियन ऑन्ट्रप्रीनर्स थे वो डेबल इन टू द न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्ली कैपिटल जो था इट केम फ्रॉम ब्रिटिश इन्वेस्टर्स हू सो एंडो ऑफ प्रॉफिट इन अर्ली फैक्ट्रीज इन इंडिया बिकॉज देर वर ऑलमोस्ट नो रेगुलेशन लेबर वॉज चीपली अवेलेबल ऑपरेशन कॉस्ट जो थे वो लो थे एंड लार्ज रेडी मार्केट वॉज अवेलेबल तो क्या हुआ इसमें अर्ली एक तो जो इंडियन ऑन्ट्रप्रनर है वो भी आना चाहते थे इस न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आ गया था कॉलोनियल रूल के बाद एंड जो अर्ली कैपिटल था काफी बड़ा अमाउंट उसका ब्रिटिश इन्वेस्टर्स से आया क्योंकि आप देखो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी है मिनरल्स भी है माइनिंग का काम भी है अच्छा खासा हो सकता है एंड वहाँ पर भी फैक्ट्री सेटअप नहीं है फैक्ट्री ग्रोथ नहीं है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो उनके लिए काफी एक प्रॉफिट मेकिंग मूव था ये तो ब्रिटिशर्स ने इसको यूज किया ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने अर्ली कैपिटल काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करा तो ब्रिटिशर्स के अराइवल के पहले भी टेक्सटाइल जो था वो सिनोनिमस विद द इंडियन इंडस्ट्री मैंने आपको पहले बोला हैंड वीविंग स्पिनिंग वगैरह यहाँ होती थी और जब ये डिक्लाइन होने लगा क्योंकि मशीनरी की आने की वजह से इससे क्या हो गया जो इंडिया की ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज uh, चल रही थी चाहे वो हाथ वाली ही चल मतलब खुद जिसमें मैन पावर ज़्यादा यूज़ होता था मशीनरी नहीं यूज होती थी उनका डी इंडस्ट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया आपके हैंडीक्राफ्ट वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो गए आपके जो आर्टिजन उस साथ इन्वॉल्व uh, थे उस कामों के साथ वो जॉबलेस रह गए फिर उनको क्या करना पड़ा वो वापस माइग्रेशन उनको रूरल एरियाज़ में आना पड़ा वो आके फिर से एग्रीकल्चर में आने लगे तो इससे एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम हो गई एग्रीकल्चर में क्या हो गया आपका डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ओवरक्राउड हो गया ठीक है तो इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है इंडियन इकोनमी को फेस करनी पड़ रही थी एंड इट वॉज ए कंपनीड बाई एनॉर्मस ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से काफी ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे ठीक है तो वो आप पढ़ोगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में इकॉनमी में हिस्ट्री में आप पे पढ़ोगे एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया जो दादा भाई नेहरू जी ने इसके बारे में लिखा था ठीक है ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या था कि वो यहाँ पे आगे काम कर रहे थे यहाँ के प्रॉफिट्स बाहर जा रहे थे फिर यहाँ के जो एम्प्लॉय जो ब्रिटिश ऑफिशल यहाँ काम करते थे उनको सैलरी यहाँ के रेवेन्यू से मिलती थी तो काफी एवेन्यूज थे जिससे वो अपनी यहाँ की जो वेल्थ है वो बाहर ड्रेन कर रहे थे बाहर ले जा रहे थे सो दिस सेक्टर वॉज अ नेचुरल चॉइस फॉर द स्टेबलिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया कौन सा सेक्टर आपका टेक्सटाइल वगैरह ठीक क्योंकि इंडियंस के लिए टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था उतना नया एक कॉन्सेप्ट नहीं था वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व थे तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री ओपन हुई थी बारूच मॉडर्न डे गुजरात में विच वॉज ऑफ़ देन बॉम्बे प्रेजिडेंसी इन एटीन फिफ्टी थ्री लेटर और कॉटन फैक्ट्रीज को भी ओपन किया गया था अलग अलग जगहों पर नाइन सेंचुरी में देर अबाउट टू हंड्रेड कॉटन फैक्ट्रीज इन इंडिया ठीक है डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्राम इंपोर्टेड कॉटन क्लॉथ जो मिल्स देवर प्रॉफिटेबल एंड बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे वर गिविंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड इन्वेस्टर्स तो मैंने कहा काफी प्रॉफिट मेकिंग मूव था ब्रिटिश इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना तो इंडियन जो थे उन्होंने भी अपने इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप की ठीक है इंडियन जमशेद जी टाटा मोराजी गोकुलदास वगैरह दे वर द फर्स्ट इंडियन टू सेटअप द इंडस्ट्रियल यूनिट इन इंडिया जमशेद जी टाटा जो थे बिलोंग टू दारसी कम्युनिटी एंड दिस कम्युनिटी इन जनल वॉज ऑलवेज दोर फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कलोनल पीरियड एंड यही एक रीज़न है कि आज भी ये कम्युनिटी जो है काफ़ी एफ्लुएंट मानी जाती है इनकी पारसी कम्युनिटी की मेन प्रॉब्लम है इट्स डिवाइंडलिंग नंबर्स के काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं एंड इन ब्रीडिंग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं क्योंकि अपनी कम्युनिटी में ही शादी करते हैं मोस्टली तो इनके नंबर्स कम हो रहे हैं पर अदरवाइज ये काफ़ी एफ्लुएंट एजुकेटेड एंड काफ़ी रिच सेक्शन जो है इंडियन सोसाइटी का माना जाता है अली पैनी जो है दे फेस न्यूमरस इशूज वैन इट केम टू स्टैब्लिशिंग एंड रनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स वेंचर कैपिटल जो स्टार्टिंग का आपको कैपिटल दिया जाता है सेटअप करने के लिए बज ऑफन हार्ड टू कम बाय जितनी फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन थे वो फॉरन ओन थे और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था फॉरन इंडियन ऑन्ट्रपिनर टू गेट अ लोन तो ये सारा आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि इंडियंस के लिए ऑल दो एक मार्केट बन रहा था वो भी इसमें इन्वेस्ट करते वगैरह लेकिन उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा थी वो जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे वो इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा ले रहे थे सेकेंडली जो मशीनरी थी वो सारी आपको बाहर से इम्पोर्ट करनी थी ठीक है उसमें कितना खर्चा हो जाता तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इतना आसानी नहीं था एंड ये भी देख लो हो कोई बेसिक हैवी इंडस्ट्री नहीं थी आपकी हैवी बेसिक इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोई भी बड़ी इंडस्ट्री बनाने से पहले यहाँ पे आयन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है क्योंकि आयन एंड स्टील जो है वो एक्ट करता है एज बेसिक इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज के लिए आयरन एक कील बोलो या एक हैमर एक नेल जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको कहाँ से बना वो भी आपको जरूरत लगता है किसी दूसरे काम में दूसरी कोई चीज बनाने के लिए तो इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है जिसका जो प्रोडक्शन है वो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल एक्ट करता है ठीक है तो ये देख लो इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको क्या करना पड़ता था सारी जो मशीनरी है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी मतलब बेसिक चीजों के लिए छोटी चीजें नहीं चीजें काफी बड़ी है लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि इसके जो फिनिश प्रोडक्ट होंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री के वो बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज का रॉ मेटीरियल एक्ट करेंगे ऑब्वियसली उनके बगैर बाकी इंडस्ट्रीज भी नहीं चला सकोगे ना तो वो इम्पोर्ट करना पड़ता था इसीलिए यहाँ के और उनके फिर जो ब्रिटिशर्स इस पर रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशन लगाते थे वो काफी डिफिकल्ट हो रहा था यहाँ के ऑन्ट्रप्रनर्स के लिए तो जो पहली फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया है इट वाज इस्टेब्लिश 60 ईयर्स आफ्टर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉटन मिलक खुद देखो हाल क्या था इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो नेसेसरी फॉर रनिंग फैक्ट्रीज उसका पुअर जनरेशन था एक मैनेजिंग एजेंसीज थी रन यूरोपियंस आल्सो एग्जिस्टेड लेकिन वो यूरोपियंस की थी तो ऑब्वियसली वो यूरोपियन इंटरेस्ट का ही सोच था ठीक है एंड मोर ऑफन देन नोट वुड कंट्रोल इवन दोज विचर इवन विच व इवन लार्जली फंडेड बाई द इंडियंस तो जो मैनेजिंग एजेंसी थी जो ये सारा काम देखती थी ठीक एक स्ट्रक्चर बना हुआ था तो ये क्या करते थे इवन ये वो वाली फैक्ट्रीज भी जिसको ज्यादा इंडियंस फंड करते थे उस पर भी ज्यादा कुछ कंट्रोल और रेगुलेशन लगाते थे अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरो स्टार्ट होगी आफ्टर द अराइवल ऑफ़ यूरोपियंस लेकिन यहाँ पे वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई तो ये सारे जो रीजंस हैं ये सारे रीजंस फंडिंग का रीज़न वेंचर कैपिटल एंड देन यहाँ पे बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी ठीक है और मैनेजिंग एजेंसीज वाला पॉइंट ये सारा आपका उसका कंटेंट एक्ट करेगा ये जो हम यहाँ से सारा पढ़ रहे हैं ठीक है ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट भी आप लिख सकते हो तो ये सारी बातें अभी तक हम क्या देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनियल रूल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कॉलोनियल रूल के साथ यहां पे हुआ बट इंडिया में वो उन लाइन पर डेवलप नहीं हुआ जैसे वो यूरोपियन यूरोप में डेवलप हो रहा था एंड उसके क्या क्या रीजन थे वो हमने अलग, अलग अलग देखे तो जब आहिस्ता आहिस्ता इंडियन इंडस्ट्रीज से देवर टेकिंग ऑफ तो डोमेस्टिक मार्केट्स जो था वर ऑलरेडी फ्लडेड बाय द ब्रिटिश मेड गुड्स थ्रू अ रॉबर्ट सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग नेटवर्क तो मैंने आपको कहा ब्रिटिशर्स का बेसिक हमेशा क्या रहा था उनको इंडिया को कॉलोनी बनाना था रॉ मटेरियल यहाँ से लेने थे फिनिश्ड गुड को यहाँ के मार्केट में बेचना था तो ऑल दो यहाँ की अब जो इंडियन इंडस्ट्रीज अगर स्लोली स्लोली अब बेबी स्टेप्स लेके चल रही थी लेकिन जो मार्केट था यहाँ का उसमें ऑलरेडी ब्रिटिश मेड गुड्स जो थे वो फैल रहे थे ठीक है इस वजह से भी इंडियन जो इंडस्ट्रीज है या इंडियन ऑन्टरप्रनर्स हैं उनको फायदा ज्यादा नहीं पहुंच रहा था रेलवे ऑपरेशन जो थे दे वर ऑल्सो यूटिलाइज इन सच अ फैशन बाई यूरोपियंस की जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वर ऑफन चीपर टू सप्लाई देन द इंडियन मेड गुड्स ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स किसके लिए आपको काम आएंगे जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ पे हुई वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं रही ओवर एंड अबो देर आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम द यूरोपियंस टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ट्रू प्रॉक्सी मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट लेबर एंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लॉज लो इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड सो ऑन तो ब्रिटिशर्स का भी अपना मोटिव था वो नहीं चाहते थे इंडिया जो है वैसे एडवांस हो जाए फाइन तो इस वजह से वो क्या करते थे स्ट्रिक्ट लेबर लॉज लगा दिए स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल लॉज या जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम कर दिए अगर उनके प्रोडक्ट पे कम इम्पोर्ट ड्यूटीज होंगे तो जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा वो सस्ते में यहाँ तक पहुंचेगा ठीक है तो उससे किसको फायदा होगा अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को ही फायदा होगा एक इम्पीरियल प्रेफरेंस वाला सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बिट ऑल्सो डेंट वर्क इन द फेवर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंपीरियल पॉलिसी बेसिकली होता क्या है या इंपीरियल प्रेफरेंस या आप बोल सकते ब्रिटिश की एक ट्रेड पॉलिसी थी उनकी कॉलोनीज के साथ ट्रेड पॉलिसी टाइप ऑफ ठीक है तो इसमें क्या करते थे वो बोलते थे पहले वो किस पे ध्यान देंगे होम प्रोड्यूसर्स पे दैट मीन्स जो उनके हैं यूरोपियन वो पहले उनकी प्रोडक्शन उसके बाद कॉलोनियल प्रोड्यूसर्स जो उनकी कॉलोनी है उसके प्रोड्यूसर्स पे ध्यान देंगे उनकी पॉलिसीज पे एंड लास्ट में उनके जो फॉरेन बाकी जो कंट्रीज हैं फॉरन प्रोड्यूसर्स उन पर ध्यान दिया जाएगा तो एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो उसी का ही एक स्ट्रक्चर था फ्री ट्रेड पॉलिसी जो अपनी कॉलोनीज के साथ रखना चाहते थे और दो बोलते वो ये थे लेकिन इस फ्री ट्रेड पॉलिसी के चक्कर में वो क्या करते थे उन्हें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो काफी ज्यादा उन्होंने क्या की थी उसको कम की थी तो उसका फायदा किसके किसको हुआ उस प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड का उसको ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर को ही फायदा हुआ एंड कॉलोनीज को उतना कुछ खास उसका फायदा नहीं हुआ एंड इनफैक्ट वो जो उन्होंने फ्री जो इम्पोर्ट है उस पर वो ट्रा टैरिफ वगैरह कम कर दिया था इंपोर्ट पे उससे क्या हो गया जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो और ज्यादा क्रिपल हो गई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे जितना खर्चा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में होगा उसे कम कॉस्ट में वहां से प्रोडक्ट आ रहा है इम्पोर्ट ड्यूटीज तो जब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी उसको कम कॉस्ट में ही थोड़ा आप बेचने की कोशिश कर सकते हो जब तक वो मार्केट में जम जाए और आपकी इंडस्ट्री जो है वो डिस्टरप्ट होना शुरू हो जाए फिर बाद में चला क्यों से आप उसकी रेट बढ़ा सकते हो लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप उसको कम दाम पे बेच सकते हो तो उससे क्या होगा यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्रिपल हो गई इनके अंडर द गार्ब ऑफ दिस जो ये कर रहे थे कि हम फ्री ट्रेड लेके आ रहे हैं तो इम्पीरियल प्रेफरेंस इज नथिंग बट काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी जो ब्रिटिश किसके साथ करता था अपनी कॉलोनीज के साथ लेकिन उनका उसमें भी पीछे कोई सेल्फिश मोटिव होता था एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं कुड स्टार्ट वेरी लेट इन इंडिया बेसिक इन हैवी इंडस्ट्रीज़ है, uh, in है वही आती है आपकी आयरन एंड स्टील क्योंकि रॉ मटेरियल्स इनके काफ़ी हैवी होते हैं एंड ये काफ़ी बेसिक होती हैं क्योंकि इनका जो फिनिश गुड होता है जैसे कोई भी स्टील की कोई ये बना ली कोई प्रोडक्ट बनाया वो स्टील का प्रोडक्ट जो है वो एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन्वायरमेंट में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फाउंड इट वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द ब्रिटिश गुड्स इन द इनिशियल ईयर्स ठीक है द काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी अपनी नेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट को इन अर्ली ईयर्स वो नेवर इवन कंटेम्पलेटेड फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे ऐसा हो तो ये आपका कंक्लूजन भी बन सकता है कि ब्रिटिशर्स ने वैसा सपोर्ट नहीं किया जैसे उन्होंने अपनी यूरोपियन जो उनकी कंट्रीज थी यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो सपोर्ट उन्होंने उनको दिया ठीक है तो हो गया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अभी तक हम क्या देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन जो है आई गेस आए भी है मीन में एंड यहाँ से आपका अच्छा खासा कंटेंट भी बनता है कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई इंडस्ट्रीज की जो यूरोपियन में हुई ऑल दो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई यूरोपियंस के आने के बाद लेकिन उस लेवल की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई जैसे आपकी यूरोपियन uh, वर्ल्ड में हो रही थी तो ये सारा वहां से आ जाएगा अब देखो कौन कौन सी चीज़ें माइनिंग की फैक्ट्री स्टार्ट होगी कैश क्रॉप प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए आपके जो कॉलोनियल फोरे इनटू द माइनिंग स्टार्टेड कब लेट एटीन सेंचुरी में एंड कोल जो था पहला मिनरल था टू बी माइंड इन छोटा नागपुर एरिया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जगहों के नाम कहाँ कहाँ से माइनिंग वगैरह जो है वो होना शुरू हो गई और कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे जो है इंडिया में स्टार्ट हो गए पेपर मिल्स आयरन एंड स्टील मिल्स जूट मिल्स एंड सो ऑन जो कॉटन मिल्स थे वेस्टर्न इंडिया और जो जूट मिल्स थे दे मेड बिगनिंग इन द ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द रॉ मटीरियल तो कॉटन के लिए जो रॉ मेटीरियल्स की जरूरत थी वो कहाँ पे फ्लरिश करता वेस्टर्न इंडिया वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस में एंड जो जूट के लिए रॉ मटेरियल जरूरत होता है जैसे जूट प्लांट आपका ठीक है तो वो कहां पे फ्लरिश करता वो कहाँ पे ग्रो करता अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो कहाँ पे ग्रो हुआ ईस्टर्न इंडिया में पहली जूट मिल जो थी इट वॉज ओपन इन बेंगलॉल इन एटी फिफ्टी फाइव वगैरह तो फर्स्ट मॉडर्न पीपल मिल वॉज इस्टेबलिशन होली तो यह सारी चीजें जो है हो रही थी अपार्ट फ्राम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वॉज द आयर एंड स्टील इंडस्ट्री आयन एंड स्टील इंडस्ट्री वज क्रिटिकल फॉर मेकिंग अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड हेंस इट वॉज द बेसिस ऑफ अर इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स रोल टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट एज मोस्ट ऑफ द मिलिट्री टूल्स जो थे देवर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील जो मिलिट्री टूल्स आपको चाहिए होते थे वो किसके बने होते थे आयरन एंड स्टील के लिए तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी बट ब्रिटिश जो थे वो स्केप्टिकल थे इन प्रमोटिंग सच इंडस्ट्री क्योंकि उनको था कि अगर ऐसी इंडस्ट्री प्रमोट हो जाएगी एंड वो टूल ऐसे बनाएंगे जो उनको हेल्प करेंगे वो वो टूल्स हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं एंड उनके पास जो एक्सपीरियंस था एटीन फिफ्टी सेवन वर्ल्ड रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन का तो वो भी काफ़ी उन उनको क्या किया था काइंड kind ऑफ of, uh, एक एक्सपीरियंस रहा था उनके लिए तो वो नहीं चाहते थे ऐसी कोई इंडस्ट्री फ्लरिश करे

स्पेसिफिक तो क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप टैकल कर सकते हो ठीक है ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री वाले एंगल में भी आ सकता है ठीक है तो काफी अच्छा कंटेंट जो है आपको पेपर बी से इस बुक में मिल जाता है इट वॉज इन दिस बैकग्राउंड एट द फर्स्ट मेजर इंडिजिनस एफर्ट वॉज मेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील ठीक है ये सारा हमने पढ़ा क्या हो रहा था कैसे यूरोपियंस जो है उनके साथ जो है यूरोपियंस uh, अपने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उन्होंने अपने कंट्रीज में की थी वैसी इंडिया में नहीं लाने की कोशिश कर रहे थे एंड जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उतना डेवलप नहीं हो रहे थे तो इस सारे बैकग्राउंड में क्या हुआ पहला इंडिजिनस एफर्ट दैट मीस पहला देसी एफर्ट जो था इंडियन एफर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इट वाज डन बाय द दोब टाटा व्हेन आयरन एंड स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाउ टाटा स्टील लिमिटेड वाज फॉर्मड इन 1907 एंड द प्रोडक्शन बिगे इन 1912 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी एम्प्लॉयड मोर देन वन लैक एम्प्लॉइज इन नाइनटीन एंड एट दैट टाइम इट द लार्जेस्ट स्टील प्लांट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर ठीक है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है अनदर आयर एंड स्टील प्लांट ऑफ एम्स वॉज वन एस्टैब्लिश बाई दील कंपनी इन नाइन हंड्रेड एटीन इन मॉडर्न डे असनसोल वेस्ट बेंगाल बाय अ कपल ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है इट वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉर एक्सपीरियंस एज आयर एंड स्टील सप्लाइज वर डिस्टरप्टिड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉन्टेड टू हेव सम रिलायबल सप्लाइज इन द इेंट ऑफ अनदर वॉर अब ऑल दो वो 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 कब कर रहे थे आयर एंड स्टील प्रोडक्शन को क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं मेटल वेपनरी उनकी अगेंस्ट यूज हो सकती है एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन उनको था कि इंडियंस इतनी केपबल हैं कि उस वो वेपनरी हमारे अगेंस्ट यूज़ करें लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपका नाइनटीन फोटी में वर्ल्ड वॉर हुआ एंड उस वर्ल्ड वॉर में आपको मेटल की काफ़ी ज़रूरत थी प्रोडक्शन की क्योंकि वेपनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वेपन्स बनाने थे लेकिन वो सब चीजें क्या हो रही थी वो सब चीज़ों में हर्डल्स पुट हो रहे थे क्योंकि आपके पास ऐसी कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी आपने डेवलपमेंट पर काम ही नहीं किया था लेकिन अब इनको था कि हो सकता है दोबारा ऐसी कोई वॉर हो जाए तो अब ब्रिटिशर्स भी जो है इस चीज़ को सीरियस लेने लगे एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है यहाँ पे ठीक से होने लगी बोथ ऑफ दीज प्लांट्स डिड वेल एंड द राइज इन द डिमांड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर कैप्ट कप्ट डीज प्लांट्स प्रॉफिटेबल ठीक है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहाँ से आने लगा तो ये कॉलोनियल पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप यहाँ से ये देख सकते हो कैसे अगर एवल्यूशन आता है एग्जाम में आपको तो एवोल्यूशन में आप ऐसे करके डायरेक्ट डायग्राम भी बना सकते हो ठीक है और स्वदेशी मूवमेंट होगी 1905 से ऑनवर्ड गेव एन इम्पोटेस टू तो द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज फॉरन इम्पोर्ट्स डिकलाइन एंड डोमेस्टिक एंटरप्राइज रिसीड फर्स्ट एनकरेजमेंट ठीक है तो क्या हो रहा था स्वदेशी मूवमेंट 1905 से स्टार्ट होगी हमें पता है स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुई थी वो हिस्ट्री का पार्ट है पार्टीशन करने के लिए बंगाल को उसके बाद ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया था आपकी कांग्रेस ने डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट जो उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट ने डोमिनेट किया था कांग्रेस को कि हम एक बॉयआउट रेजोल्यूशन करेंगे पास ठीक है और ब्रिटिश गुड्स को करोगे और साथ में एंटी एंटी पार्टी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है वो भी चलाई थी तो नाइनटीन में हुआ था ये सारा काम ठीक है तो इस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में क्या हुआ था एक तो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकआउट करोगे सबसे पहले किन चीजों को बॉयकॉट किया गया था आपका लिवरपूल सॉल्ट एंड मैनचेस्टर क्लॉथ ठीक है ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है या आप वहीं पे पढ़ोगे मैनचेस्टर क्लॉथ इन दो चीजों को सबसे पहले बॉयकॉट किया गया था तो एक तो उनको ब्रिटिश गुड्स को, को बॉयकॉट करेंगे एंड साथ में वो क्या करेंगे वो स्वदेशी पे ध्यान देंगे स्वदेशी इज और आत्मनिर्भर जो हम आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं काफी पुराना कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करोगे होम मेड गुड्स बनाओगे आप डोमेस्टिक यहाँ की प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे तो ऐसा ही वो टाइम था जब आपने इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है उनकी सेटअप हो करने की बात ही, केमिकल की केमिकल फैक्ट्रीज़ मैच बॉक्स की फैक्ट्रीज़ ऐसी सब चीज़ें सेटअप की गई एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया स्वदेशी एजुकेशन इंडियन एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये सब चीज़ें सेटअप हुई ठीक है तो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर पढ़ रहे हैं तो हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो तो यही वो टाइम था जब आपकी सोप फैक्ट्रीज ठीक है जैसे नेशनल सोप फैक्ट्री और आपका जो टिस्को था वो इस टाइम पे इस्टैब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी जो है आपके आ, इमर्जिंग इंडस्ट्रियल ये जो थी फैक्ट्रीज यहाँ पे भी सेटअप हो गई इस सारे प्रोसेस की वजह से स्वदेशी का जो चल रहा था फर्स्टली ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट ड्यूरिंग द वॉर पीरियड इट वॉज नॉट वेरी वाइज टू डिपेंड एंटायरली अपॉन द इम्पोर्टेड सप्लाइज ठीक है अच्छा जो पीरियड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था अ ग्रोथ पीरियड फॉर द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज क्या आप करना पड़ा एक तो स्वदेशी से बूस्ट मिला ठीक है स्वदेशी मैंने आपको कहा टेक्सटाइल फैक्ट्री आपकी सोप फैक्ट्रीज ठीक है मैच बॉक्स की फैक्ट्रीज ये सारी चीजें जो है यहां पर डेवलप होना शुरू होगी एंड सेकंडली फर्स्टली ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज होना शुरू हो गया वॉर के बाद कि आप सिर्फ इंपोर्टेड सप्लाईज रिप्लाई नहीं रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर वॉर टाइम चल रहा है तो इंपोर्ट वगैरह पे तो ब्लॉकेट लग जाएगा ना तो आपके पास होम ग्रोन प्रोडक्शन जो है वो जरूरी होनी चाहिए सेकेंडली जो इंडियन कैपिटल क्लास थे हैल्सो रियलाइज की ह्यूज पोटेंशियल है ऑफ सप्लाइंग फैक्ट्री मेड गुड्स टू बोथ सिटीजन एंड द मिलिट्री ज्यूरिंग सच पीरियड्स तो इंडस्ट्रियल का, इंडियन कैपिटल क्लास ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट का सोच थी तो उनको भी लगा हाँ ऐसी फैक्ट्रीज पे हमें काम करना चाहिए तो अकॉर्डिंगली हुआ इस पे काफी काम हुआ प्रोडक्शन जो है काफी ज़्यादा आने वाले टाइम में इंक्रीज हो गई क्लास है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज सिग्निफिकेंट सरप्लस टू इन्वेस्ट ये करेगा कौन ठीक है वो वही करेंगे जिनके पास सरप्लस काफी ज्यादा होगा उनने इन्वेस्ट किया वो आपके गुजराती बनियाज पंजाबी खतरीज अरो अगरवाल तो अभी भी आपके बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं तो अगर आप इस टाइम पे गरीब हो या आपकी गलती नहीं है या अगर आप कोई बिजनेस सेटअप नहीं हुआ आपकी गलती नहीं है गलती आपके फोर फादर्स के जिन्होंने वो टाइम यूटिलाइज नहीं किया और कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप आराम से बैठ के इस ऐश करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यंग बिलेनियर बन जाते हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते लेट द पैक ऑफ ए न्यू ब्रीड ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज अपार्ट फ्रॉम द अदर एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज जैसे पार्सीज वगैरह ठीक है तो काफी नाम यहाँ पे जो इस टाइम पे सामने आए कानपुर इमर्ज एज ए लेदर वर्क हब बॉम्बे आगे आपका टेक्सटाइल हब स्पेशलिंग हब हुलीमर्ज एज से इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास जो थे उन्होंने अपना इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है सेटअप कर दिया था गवर्नमेंट ने क्या किया था इन्वेस्ट एंड एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज ऑलमोस्ट जीरोनियल लेकिन पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड सॉ द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर नॉट ओनली इन मास कंजशन गुड्स बट ऑल्सो इन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ गुड्स ठीक है तो ऑल द जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट और एंकरेजमेंट थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी वो जीरो रही है थ्रू आउट द कलोनियल पीरियड लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है काफी अच्छा कर रहा था मास गुड्स के उसमें भी जो वो वाले गुड्स जो मास कंज्यूम करती है एंड वो वाले गुड्स भी जो कैपिटल इंटेंसिव हैं जिसमें काफी ज्यादा जो आपको कैपिटल है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है वो गुड्स बनाने के लिए फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट प्लांट जो था इस्टैब्लिश हुआ था पोरबंदर में नाइनटीन में एंड ये सारी चीज़ें कब कब इस्टेब्लिश हुई थी देख लेना ये आपके आंसर राइटिंग के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बीच में लिखा हुआ जो है जो लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कॉलोनियल रूल वॉज हाईली अन एंड रीजनली इम्बेलेंसड ये चीजें हमने देखी कोई कोई एरिया ही डेवलप हुए थे ठीक है जो आसानी थी ब्रिटिशर्स के लिए खासकर आपके पोर्ट एरियाज क्योंकि मेजरली उन्होंने कहाँ सेटअप किया था सूरत में गोवा पुडुचेरी दमन उसके बाद उन्होंने बॉम्बे कलकटा मेड्रेस ये अपने सेंटर्स बनाए थे ऑनली अफ्यू टाउंस लाइक बॉम्बे कलकट एटसेट्रा इमर्ज इज इंडस्ट्रियल टाउन जो ग्रेटर इकनमिक डिप्रेशन है वॉज ऑल्स नगेटिवली इम्पेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यूरिंग द नाइनटीन थर्टीज क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्रेटर इकनिक डिप्रेशन रहा था तो चल रहा था उसका आपको डोमिनो इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला तो नाइनटीन थर्टीज में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आपको उसका असर जो हमें रियलाइज होना शुरू हुआ अब ही वॉल द टू वर्ल्ड वॉर्स बॉट अनिटीज फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज एज डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स जो है फ्लक्चुएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन एंड इनकम कंस्टेंट ठीक है तो वर्ल्ड वॉर में क्या हो जाता है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाती है इनकम कुछ भी नहीं होती है तो जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली गिर जाएगी या डिमांड फ्लक्चुएट करेगी तो उन सब चीजों का असर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी देखने को मिलता है अराउंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर सेवरल लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे कंटेपरेटेड द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया और उन्होंने एक प्लान लाया था नोन एज बॉम्बे प्लान इसमें स्पेसिफिकली जो था वो इंडस्ट्रियल ऑरिएटेड था ये बॉम्बे प्लान हमने ऑलरेडी एक बार ही पढ़ लिया है क्वाइट सरप्राइजिंगली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे डेंट अ फ्री मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वो चाहते थे थोड़ा बहुत स्टेट लेड जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि कुछ रेगुलेशन से उनको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए थी कुछ बड़ी फैक्ट्रीज के लिए उनको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए थी तो उनको था वो स्टार्टिंग से कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं चाहते थे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड करके काम करें तो नेक्स्ट मेजर ब्लो है टू द इंडियन इंडस्ट्रीज केम इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन ड्यूरिंग विच क्या हुआ पार्टीशन के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान के पास चली गई कुछ रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स के सोर्सेज जो थे वो पाकिस्तान के पास चले गए दिस वॉज स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स विच फॉर्म द मेजर चंक ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर तो कॉटन जूट हमने पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और उसका क्या था वो मेजर चंक था इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लेकिन वो ज्यादा किसके पास चला गया पाकिस्तान के पास तो हमारे काफी रिसोर्सेज वहां चले गए उस वजह से भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कुछ क्राइसिस uh, फेस करनी पड़ी इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन इंडस्ट्री है टुक स्टेट गाइडेड सोशलिस्ट पाथ अर्ली में उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया नाइनटीन में जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह तो क्या लेके आए थे एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और जो मिक्सड इकॉमी है मिक्सड आपका जो स्टेट लेड ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको एक मिक्सड इकॉनॉमी या ओपन इकॉनॉमी आप बोल सकते हो बनाने की कोशिश की गई ठीक है तो वो हम आगे देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुई तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा यूरोपियन टाइम पे कैसी हुई पहले ग्रोथ क्या थी तो हमने वो सारे रीजन्स देखे यहाँ पे कि यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से क्यों नहीं हुई जैसे यूरोपियन में हो रही थी वो सारी चीज़ें फिर हमने देखा वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया अभी तक बेसिक हैवी इंडस्ट्री भी जो थी सेटअप नहीं हुई थी फिर वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर किया गया उसके बाद इंडीजनस एफर्ट आए आयन एंड स्टील के लिए तो उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट ऑरिएंटेडेड भी वो इनके लिए रहा फिर स्वदेशी मूवमेंट चली स्वदेशी मूवमेंट में हमने देखा कि हाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया अनब्रिटिशर्स को भी लगा कि नहीं सिर्फ इंपोर्टेड सप्लाईज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉर पीरियड हमारे पास होम ग्रोन ग्रोन प्रोडक्शन भी होनी चाहिए तो इस च, ज, अ, मतलब इन सब चीजों के बैकग्राउंड में क्या हुआ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का थोड़ा बहुत ग्रोथ होने लगा तो ये सारे नाम देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था कुछ एक दो एग्जांपल्स आपके आंसर के लिए काम आएंगी उसके बाद फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो रही है थ्रू आउट कॉलोनियल पीरियड लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उसने मास कंजशन गुड्स पर भी ध्यान दिया और कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उन पे भी ध्यान दिया गया उसके बाद जो ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वो हाईली अनइवन रही है रीजनली इम्बेलेंस रही है पोर्ट टाउंस कुछ ही थे जो जिनको डेवलप किया गया था फिर जो ग्रेटर इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड चल रहा था उसका भी असर जो है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे चला फिर अर्ली इयर्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ साथ काम करें लेकिन आने वाले टाइम में जब इसका हम आगे देखेंगे क्या हुआ था आपका जो फॉरेक्स क्राइसिस यहाँ पे वगैरह चला था उसके बाद नाइनटीन में फाइनली एल मॉडल लेके आए थे और आपकी इकॉनमी को ओपन कर दिया गया था ठीक है तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेके आऊंगे टिल द टाइम में आप नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे